घूमना किसे नहीं पसंद है, और हमारे लिए फैमिली के साथ घूमना एक स्पेशल मोमेंट्स में से एक है। वैसे ये बात लास्ट ईयर की है, जब हमारे घर वाले और हम बैंगलोर गए थे। बिना किसी लेट के फटाफट रेडी हो गए और चाय की चुस्की के साथ हम निकल जाते हैं। यह है निशा दी, जो पूरे रास्ते रील्स बनाने में बिजी होने वाली है, और यह है मेरी बहन सलोनी, जो पार्ट टाइम मेरा कैमरामैन होने वाली है, और यह है जीजा जी। वैसे तो इन्हें कंफर्टेबल राइड चाहिए था, बट यहाँ बेचारे फंस गए थे, और यह सवारी जारी है ऊटी। हाईवे और स्लो म्यूजिक के साथ बारिश मिल जाए तो जर्नी खूबसूरत हो जाती है। कुछ 3 घंटे चलने के बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए थे। साउथ इंडिया में आया है तो ऑब्वियस था, साउथ इंडियन डिश ही ट्राई करेंगे। कुछ 150 किलोमीटर चलने के बाद हम मैसूर आ गए थे। यहाँ से ऊटी अभी भी 150 किलोमीटर था। यहाँ से रोड और नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हो गए थे, क्योंकि अब हम बंदेपुर टाइगर रिजर्व में आ गए थे। और हम आपको बता दें, बंदेपुर में रुकना मना है। यहाँ के रास्ते इतने अच्छे हैं कि आपको हर जगह फोटो लेने का मन करेगा। बंदेपुर फॉरेस्ट थोड़ा कर्नाटका और थोड़ा तमिलनाडु में है। यहाँ चांसेस बहुत है कि आपको टाइगर या एलिफेंट रोड पे चलते दिख जाएंगे, बट हमें कुछ नहीं दिखा। पर यहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे थे। ऊटी और 30 किलोमीटर था, तभी भैया ने बताया बंदेपुर में सफारी भी होता है, और ये जब हमें पता चला तो हम लोग सफारी के लिए निकल गए, लेकिन उससे पहले चाय की चुस्की। रेट बार्गेन करके हम इस जीप पर बैठ गए थे, जो कि 2000 पर जीप है, और ये लगभग 1.5 घंटे की सफारी होने वाली है। लाइफ में हमने बहुत ऑफ रोडिंग किया है, बट पहली बार हमें इस ऑफ रोडिंग पर डर लग रहा था, क्योंकि ये जीप में पावर तो था, बट ड्राइवर पे बहुत डाउट था। शरीर के सारे पार्ट पुर्जे को संभाल कर हम पहुंच गए थे ऊपर, जहां से ये खूबसूरत सा नीलगिरी हिल्स दिखता है। फिर हम चले गए जंगल सफारी में शेर को ढूंढने। आगे जाकर हम पहुंचते हैं ऊटी से पहले आने वाले 36 हेयर पिन्स। ऊटी जाने का रास्ता ही जबरदस्त है भैया। आगे बढ़ने पे हमने बोटिंग करने का डिसाइड किया, बट ये बोटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था हमारा। शाम के 7 बजे करीब हम आ जाते हैं अपने होम स्टे में, और हमारी बालकनी से व्यू आप खुद चेक कर लो। वैसे होम स्टे इतना अच्छा था तो सोचा रूम टूर भी दे दूं। फिर चाय पीकर हम निकल गए मार्केट घूमने, पर थके होने की वजह से हम कुछ खास एक्सप्लोर नहीं किए और होम स्टे आ गए, क्योंकि कल सुबह हमें ऊटी घूमने निकलना था।